हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आलोक अग्नोत्री एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पाठशाला डिफेंस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वाले टर्न में हम लोगों ने देखा था कि जो क्वेश्चन थे परसेंटेज एरर के, जो एनडीए में पूछे गए हैं और जो एयरफोर्स में पूछे गए, उन क्वेश्चन की सीरीज थी। आज क्वेश्चन को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आने वाले हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के तहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के तहत सिर्फ हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा बार पूछे गए। अच्छा, बचे हुए क्वेश्चंस तो आपको एस्टीमेट करवा देते हैं जो आपको आपको ऑलरेडी दिखती हुई होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में हम कुछ हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम करवाए दे रहे हैं। ठीक, रिसेंट्स के क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो लास्ट टर्न में चल रहा था एप्लीकेशन यानी फॉर्मूला, जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बिहाव पर क्वेश्चन क्या है और सेंट्रीपिटल फोर्स के बिहाव पर क्वेश्चन क्या, तो चलिए देख लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, यदि यदि एक वस्तु, ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 मीटर की त्रिज्या वाले मार्ग पर गति कर रही है, और उस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि कोणीय वेग नियत हो, ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग नियत है तो त्रिज्या को 4 गुना करने पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है IAF 2018 फेज फर्स्ट, 2018 फेज टू, ये दोनों फेज में क्वेश्चन आ चुका है। भाई ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों से गलत होने वाला है। क्वेश्चन क्यों गलत होने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ति मार्ग पर गति कर रही है और उस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, यदि कोणीय वेग को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो बताइए त्रिज्या को 4 गुना करने पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यानी अगर रेडियस, उस ट्रैक की रेडियस को बढ़ा दी जाए तो बताइए फोर्स क्या होगा। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये क्वेश्चन 3 लाइन का ले रहा है, लेकिन अगर इसमें अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल करें तो ये आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड्स में सॉल्व होने वाला। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक शब्द दे रहा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात, यहां पर एक शब्द दिया गया एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत क्यों होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को फॉर्मूला क्या याद आ जाता है भाई, F बराबर होता है किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन R, ये याद आ जाता है। अब दोनों में अंतर देखिएगा, यहां पर जो बेटा जो दिया जा रहा है, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है, यहां पर रेखीय वेग की बात कर रहा है और यहां पर कोणीय वेग की बात कर रहा है। तो अगर इसके रिलेशन देखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, आर के, और यहां पर रिलेशन देखें तो ये हो जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जो मेन गलती होती है वो यही होती है कि हमारे ये नहीं कंफर्म होता हमें को कि हम कब लगाएंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और कब लगाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो भाई एक बार यहां जरूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में क्या क्या रहा, ये कोणीय वेग ही आपकी पूरी लंका लगा देगा। तो चूंकि कोणीय वेग की बात कर रहा तो एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पर रेखीय वेग की बात करता तो हमारे पास आंसर वहां से निकल जाता। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या कह रहा, दैट इज, यानी अगर इसका मतलब वैल्यू देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा बेटा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, R1 अपॉन R2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो F1 का वैल्यू कितना है भाई लोग,
एफ वन का वैल्यू कितना है 5 न्यूटन, यानी एफ वन का वैल्यू 5 न्यूटन और एफ टू का मान हमें निकालना है। आर वन का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, दैट इज 4 मीटर, और त्रिज्या को 4 गुना कर दिया गया। भाई लोग 4 गुना कर देने का मतलब होता है ये हो जाएगा 16, यानी 4 चौके 16, यानी 4 हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी एफ टू का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 20 न्यूटन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एफ टू का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 20 न्यूटन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSR की परीक्षा में, उसको भी देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन डिफेंस के हम लोगों को अच्छे से कर लेने, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है यदि यदि रेखीय वेग को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए जाए तो अभिकेंद्रीय बल में क्या परिवर्तन होगा, अभिकेंद्रीय बल में क्या परिवर्तन होगा। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट सेशन भी चलने जा रहा है अब। हाँ, अभिकेंद्रीय बल में क्या परिवर्तन होगा, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए सभी लोग, यदि रेखीय वेग को 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए अभिकेंद्रीय बल में क्या चेंज देखने को मिलेगा। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दें भाई लोग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका SSR का एग्जाम में, SSR 2019, SSR का क्वेश्चन है, आ सकता है नेवी में, इसमें आपका एयरफोर्स के पेपर में रिपीट हो सकता है। क्वेश्चंस जो चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो रेखीय को कितना बढ़ाया गया भाई लोग, रेखीय वेग को 10% बढ़ाया गया, तो रेखीय वेग को 10% बढ़ा देने पर अभिकेंद्रीय बल में क्या परिवर्तन होगा। तो बालकों पहली चीज तो आपको फॉर्मूला कंफर्म होना चाहिए। मैंने कहा अगर आपको फॉर्मूला तोड़ना या फॉर्मूला जोड़ना नहीं आता है तो फिर समझ लीजिए फिजिक्स थोड़ी सी कठिन हो जाएगी, लेकिन परेशान ना हो, यहां पर सब कुछ बहुत आसानी से होगा, ठीक है। बेसिक से शुरू करेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते चलेंगे। चलिए एफ का वैल्यू देखते हैं, तो एफ बराबर हो जाएगा बेटा mv²/r होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा v²। मैंने बताया पूरी फिजिक्स में परसेंटेज का ट्रिक निकालने का एक ही तरीका होता है, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, तो परसेंटेज ऑफ एफ की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, यानी एफ परसेंट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1+n%, यानी n परसेंट जितना भी प्रतिशत में बढ़ाया जा रहा हो, ठीक है। स्क्वायर तो यहां पर स्क्वायर कर लेते हैं, -1 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे भाई लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 1+n। m का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा भाई कितना है, 10%। वेग को कितना बढ़ाया जा रहा भाई, 10% बढ़ाया जा रहा, तो ये हो जाएगा 10/100 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 और इनटू कर देंगे, दैट इज कॉल 100। जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f में परसेंटेज की जो ग्रोथ होगी वो कितनी होगी भाई लोग, 21%। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, SSR की परीक्षा में क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं वो देख लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ, लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग, और इन पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी देख लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग, अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो देखा जाए अभिकेंद्रीय बल, देखो एक चीज समझ लो, अगर कोई भी बॉडी मोड़ पर आती है, अगर कोई भी बॉडी मोड़ पर आती है तो वो हल्का सा मोड़ की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो देखा जाए तो उसके कई कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर जो सीधा हो जाएगा, पहला जो एप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल, देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, आगे चल करके एक सर्कुलर ट्रैक में मुड़ना चाह रहे, तो ये सर्कुलर ट्रैक हो गया भाई, ठीक। सर्कुलर ट्रैक के अंदर की ओर क्या लग रहा होगा भाई, सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा, ठीक, और ये रिएक्शनल फोर्स है। बॉडी जैसे ही ट्रैक के मोड़ पर आई वो हल्का सा क्या हो गई भाई लोग, झुक गई, और ये कितना झुक गई, मान लेते थीटा झुक गई, क्लियर हो गई बात, ठीक। अब यहां से देख लेते हैं, तो यहां पर जब बॉडी झुकेगी तो झुकते वक्त उस बॉडी पर एक गुरुत्व भी काम करेगा, दैट इज, ठीक है, और यहां पर देख लेते हैं, दिस इज,
तो इसका मतलब ये हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ एफसी का हो जाएगा, चूंकि सेंट्रिपेटल फोर्स का हो जाएगा। अब नाम दे लेते हैं, दैट इज ओ ए, और इसका नाम दे देते हैं दैट इज बी। अब यहां से देखेंगे तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू निकालनी, टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज कितना हो जाएगा भाई लोग, वी स्क्वायर अपॉन किसके हो जाएगा, जी आर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज वी स्क्वायर अपॉन जी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, जल्दी से कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यानी अगर इसका मान अगर देखा जाए तो टेन थीटा का वैल्यू अगर हम कितना ले लें, तो लिख लेंगे टेन थीटा का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं बेटा कितना, वन ले लेते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास निकल करके आना है दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज वन के बराबर हो जाएगा। ये वी बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट जी आर के बराबर। ठीक है, तो वी का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज अंडर रूट जी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या, इस एप्लीकेशन पर क्या न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक जल से भरी बाल्टी आया, वो क्वेश्चन है एक जल से भरी बाल्टी एक जल से भरी बाल्टी एक सौ साठ मीटर लंबी डोरी से बांधकर वृत्तीय गति में घुमाई जाती है, घुमाई जाती है, तो उस वेग का मान क्या होगा, क्या होगा कि पानी बाहर न गिरे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब देखेंगे जल से भरी बाल्टी है उसको क्या किया जा रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मोशन करवाया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो एनडीए में आ चुका है, एनडीए 2014 का क्वेश्चन है भाई, सभी एनडीए के क्वेश्चन है। एक जल से भरी बाल्टी को 160 मीटर लंबी डोरी से बांधकर एक सर्कुलर ट्रैक में घुमाया जा रहा, तो उस वेग का मान क्या होगा ताकि पानी बाहर ना गिरे। ठीक है, तो देखते हैं जो जो दिया जा रहा है वो हम लोग कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो रेडियस का वैल्यू कितना दिया गया भाई लोग, 160 दिया गया। ठीक है ना भाई, 160 मीटर दिया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो जी का जो मान होगा दैट इज कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया बात, तो हमें निकालना वी का मान, तो वी बराबर भाई कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अंडर रूट जी आर। तो जी का वैल्यू हो जाएगा और आर का वैल्यू रख लेंगे तो ये हो जाएगा ओवरऑल 1600 का मतलब हो जाएगा दैट इज, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1600 और 1600 का मतलब हो जाएगा दैट इज 40। यानी इसका मतलब है कि अगर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस बाल्टी को घुमाया जाएगा तो ये पानी बिल्कुल बाहर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के लिए क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, इसके क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, अगर मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक की बात की जाए तो मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी है वो वर्टिकल, मतलब उसका जो ट्रैक हो जा रहा है वो कैसा है, वर्टिकल ट्रैक है। क्लियर होगी बात, तो जब वर्टिकल ट्रैक की बात की जाए तो वर्टिकल ट्रैक में हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक वर्टिकल ट्रैक है, ठीक है, ऐसे ऐसे मोशन कर रही बॉडी, ठीक, और यहां पर देखा जाए तो ये बॉडीज की मैक्सिमम है, ये मिड वाली पोजिशन है और ये लोएस्ट पोजिशन है, और इन पोजिशन को हम लोग सेट कर लेते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगी जैसा कि दिखाया जा रहा है आपको, दिस इज। क्लियर होगी बात, तो इस हाईएस्ट पॉइंट को मान लेते हैं दैट इज वीपी,
और इसको मान लेते वी क्यू और इस वाले पोजिशन को मान लेते दैट इज कॉल्ड वी आर। इन पोजिशन पर हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्लियर होगी बात, वीपी वी क्यू एंड वी आर। ठीक, ट्रैक की रेडियस हमें पता हो गई कितनी आर है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, वीपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो जाएगा, वी क्यू का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, दैट इज वी आर का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक, और हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी क्यू, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, टीपी क्या होता है उसको हम लोग बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इन क्वेश्चंस के कमेंट दीजिए भाई, क्या होंगे इनके आंसर्स। चलिए, काफी लोगों को बिल्कुल सही बात है। चलिए पहले अगर बात करें तो वीपी, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर, यहां पर देखेंगे दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन हम कितना मान लिया भाई लोग, जीरो मान लिया। ठीक है, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो मान लिया तो वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई कितना, अंडर रूट जी आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, वीपी का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, अंडर रूट जी आर के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात अगर देखें तो यहां पर अगर स्पीड की वैल्यू को चेक कर ले तो दैट इज वीपी इज इक्वल टू, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा वीसी, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, और इसकी भी वैल्यू इतनी ही होगी, दैट इज कॉल्ड अंडर रूट जी आर, यानी इसको हम लोग बोलेंगे क्रांतिक वेग। अगर हम वी क्यू की बात करें तो वी क्यू को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, दैट इज वी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा भाई लोग कितना, दैट इज अंडर रूट थ्री जी आर। दैट इज अंडर रूट थ्री जी आर। ठीक, और तीसरी जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी दैट इज वी आर, और वी आर का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज अंडर रूट 5ZR। क्लियर हो गई बात, ये हो जाएंगे। ठीक, और इस C को हम लोग बोल सकते हैं क्रांतिक वेग। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी हमें कहां पर मिलती है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी हमें मिलेगी एट द हाईएस्ट पॉइंट पर मिलेगी। क्लियर हो गई बात, तो VR का वैल्यू हमारे पास सारी वैल्यूज पता हो गई। अब देख लेते हैं, चूंकि हाईएस्ट पॉइंट पर हमने तो टेंशन कितना मान लिया भाई, जीरो मान ही लिया है, तो इस Q पॉइंट पर हमें टेंशन कैसे प्राप्त होगा, R पॉइंट पर हमें टेंशन कैसे प्राप्त होगा, तो ये देख लेते हैं। तो यहां पर अगर TQ का जो वैल्यू देखा जाए दैट इज TQ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहां से देख लेते हैं दैट इज 4mg। TQ का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई लोग, 4mg हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन हमने कितना माना है, जीरो माना है। अगर दूसरी कंडीशन पे बात करें, R पॉइंट पे बात करें, तो दैट इज कॉल्ड TR, और TR का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 6mg के बराबर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम टेंशन की बात करें तो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन मिल गया है वो कितना मिला बच्चों, जीरो मिला है, और Q पॉइंट पर जो हमें टेंशन मिला है दैट इज कॉल्ड 4mg मिला है, और जो हमारे पास TR है दैट इज 6mg के बराबर मिला। ठीक है ना भाई, बात समझ गए। तो ये वैल्यूज हो जाएंगे क्वेश्चंस की, और इनको देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, हाँ, एक चीज और आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। कभी कभी ये क्वेश्चन सीधा ना पूछ करके एक एप्लीकेशन तौर पर दे दिया जाता है, फिर उसके बाद कहता है कि यहां पर बताइए कि रेशियो का कौन सा पॉइंट सही है। ठीक है, तो यहां पर अगर रेशियो के तौर पे पूछ लिया जाए तो मैं रेशियो के तौर पे बोल रहा हूं, यानी अनुपात के आधार पर क्या होगा वेगों का अनुपात, या यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे सजा के देते हैं, वेगों का अनुपात, रेशियो ऑफ द स्पीड्स, वेगों का अनुपात। ठीक है, तो चूंकि अभी हम लोगों ने निकाला था अंडर रूट जी आर, जहां पर एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, यहां की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी दैट इज अंडर रूट जी आर के बराबर। क्लियर हो गई बात, आप लोगों को याद है दैट इज अंडर रूट जी आर। यहां पर आपने निकाली थी दैट इज अंडर रूट थ्री जी आर के बराबर निकाला था, याद आया, और यहां पर आप लोगों ने निकाला था दैट इज अंडर रूट फाइव जी आर, याद आया कि नहीं याद आया। तो यहां से अगर हम रेशियो निकालें तो रेशियो अगर देखें, वीपी रेशियो वी क्यू रेशियो वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा वन रेशियो, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बात आपको और यहां पर अंदरूनी बात बता रहा हूं मैं, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, कभी कभी ये क्वेश्चन हमसे इसलिए गलत हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर होता है मोशन इन वन डायमेंशन, अभी आगे चल करके आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, मोशन इन वन डायमेंशन में सक्सेसिव वेलोसिटीज का जब रेशियो लगातार निकालते हैं तो वहां पर हमें एक आंसर मिलता है दैट इज वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव।
क्लियर होगी बात, दैट इज Sn इज इक्वल टू 2n-1 से हम लोग निकालते हैं तो 1:3:5 का रेशियो प्राप्त होता है, और उस 1:3:5 के रेशियो के चलते ये हमारा क्वेश्चन जो कि हम लोग 2D डायमेंशन बेसिस पर सोच रहे हैं वो क्वेश्चन आपका क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना भाई लोग। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसके ये हो जाएंगे एप्लीकेशंस, और इन एप्लीकेशंस पर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो आता है सर्कस में मौत के कुएं से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। एक गोले माने खोखले गोले की बात कर रहे हैं कि त्रिज्या की त्रिज्या दस मीटर है, इसके अंदर एक व्यक्ति का उच्चतम बिंदु पर वेग क्या हो, क्या हो ताकि वह ना गिरे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका आ चुका है वो IAF के पेपर में आ चुका है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं। ये सभी IAF सेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, IAF 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक खोखले गोले की त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर है। इसके अंदर एक खोखला गोला यानी कोई हॉलो स्फीयर है, देख लेंगे यहां पर, ये एक हॉलो स्फीयर है, और इस हॉलो स्फीयर में एक पर्सन बाइक चलाना शुरू करता है, और बाइक चलाते चलाते जैसे मान लीजिए मौत का कुआं आप लोगों ने देखा होगा सर्कस, ये एक बाइक है, ठीक है, और इस बाइक पर एक पर्सन है। अब इस पर्सन ने क्या कर दिया, बाइक चलाना शुरू किया है, और बाइक चलाने के बाद ये पर्सन कहां पर आ गया, हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया, ये यहां पर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पर्सन यहां पर होगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड रखनी पड़ेगी, और अगर ये पर्सन अगर यहां से बाइक लेके गिरता है तो इसका मतलब है कि इसका खेल क्या हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि सर के बल गिरेगा, ठीक है। अब ये बाइक चला रहा है तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहां पर यानी इस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट का नाम हम ले देते हैं क्या VP, यानी उस उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा ताकि वह गिरे ना, ठीक है, बात समझ गए भाई लोग। तो जल्दी से जल्दी आंसर इसके दे दें भाई। बिल्कुल, काफी लोगों के आंसर सही आ चुके हैं, तो देखते हैं हम लोग आंसर इसका कैसे निकालते हैं। तो आंसर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन सेम है, तो यानी हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड हमसे पूछ रहा है, दैट इज वी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, अंडर रूट GR के बराबर हो जाएगा। अगर रेडियस का वैल्यू देखें तो रेडियस कितना है भाई 10, ठीक है, तो V इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट G का वैल्यू भी 10 है, R का वैल्यू भी 10 है, तो 10^100, तो यानी V का मान कितना हो जाएगा भाई 10 m/s हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो जल्दी से कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली बात देखते हैं, कुछ एप्लीकेशंस और हैं इन्हीं के देख लेते हैं। एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम का आवर्तकाल, ये थोड़ा सा नया है, एक क्वेश्चन अभी इस बार ही SSR की परीक्षा में पूछा गया था, कॉनिकल पेंडुलम दैट इज द शंकु पेंडुलम, ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम का देख लेते हैं। कॉनिकल पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर कॉनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करें तो कॉनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड हो जाएगा दैट इज T इज इक्वल टू हो जाएगा 2π√L cos θ/g। ये तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉनिकल पेंडुलम के लिए, इस चीज को और नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है T इज इक्वल टू हो जाएगा 2π√L cos θ/g के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये कॉनिकल पेंडुलम की प्रॉब्लम है। अब इससे रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम और बचती हैं उन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन देखो भाई मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके इंपॉर्टेंस को बताया नहीं जा सकता, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट होगा हम लोगों के पास वो होगा रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन मैंने आपको करवा दिए, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग, आते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा वो रोटेशनल मोशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉपिक घूर्णन गति। घूर्णन गति, ठीक है। तो दैट इज द रोटेटरी मोशन की अगर हम लोग बात करें तो रोटेटरी मोशन कैसा होता है ये देख लेते हैं। तो रोटेटरी मोशन के बिहा पर जो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। रोटेटरी मोशन को जो पहला देखते हैं हम लोग, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है दैट इज इंक्लाइनिटी को लेकर के आ जाता है, इंक्लाइनिटी के बिहा पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं इनर्शिया की, यानी अगर हम बात करें किसके लिए, जड़त्व तो आघूर्ण के लिए, जड़त्व तो आघूर्ण। तो जड़त्व तो आघूर्ण को अगर देखा जाए तो जड़त्व तो आघूर्ण क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल आई इज इक्वल टू होता है बेटा एम आर स्क्वायर। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। जहां पर आर हो जाएगा रेडियस और एम हो जाएगा मास, ठीक, और आई हो जाएगा इनर्शिया, ठीक। एम को हम लोग क्या बोलेंगे, लिख लेंगे जहां पर आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एम को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एम इज नोन एज मास, दैट इज कॉल द्रव्यमान, और आर हो जाएगा बेटा आपका रेडियस माने त्रिज्या। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर एक क्वेश्चन और जाता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन माने घूर्णन त्रिज्या। तो यहां पर एक बात हम लोग और कर लेते हैं, दैट इज कॉल घूर्णन त्रिज्या की। ज्यादातर बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में दे दिए जाते हैं कि अगर एक सॉलिड स्फेयर है और एक हॉलो स्फेयर है, दोनों को इंक्लाइंड मोशन अगर करवाया जा रहा है, यानी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मोशन कर रहे हैं तो कौन पहले पहुंचेगा और कौन बाद में पूछेगा। तो हम देखते हैं घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ गायरेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, और रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग किससे दिखाएंगे, दैट इज कॉल रिप्रेजेंटेड बाय द के, और इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे सेट करेंगे, दैट इज आई इज इक्वल टू, यहां पर देखने वाले हैं तो आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई लोग, एम के स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, I का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज एम के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, और कुछ हम लोग अभी एक चीज और करेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होते हैं उनके हम लोग कुछ एक जगह फॉर्मूले लिख लेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले कई बार एग्जाम में देखा है कि वही लॉट फेयर करके ही आ रहे हैं, ठीक। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, और अगली हेडिंग हम लोग कर लेते हैं, कुछ निश्चित आकार की वस्तुओं के लिए जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो दैट इज घूर्णन त्रिज्या आई बराबर एम के स्क्वायर। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ निश्चित आकार की वस्तुओं के लिए जड़त्व आघूर्ण, निश्चित आकार की वस्तु के लिए जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम रेगुलर शेप बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है और उनपे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास पूछा जाए फॉर यूनिफॉर्म थिन रॉड, अगर हमसे पूछा जाए तो बताइए यूनिफॉर्म थिन रॉड, जल्दी से सभी लोग जवाब दें, इसके लिए इनर्शिया क्या होगा। यूनिफॉर्म थिन रॉड की अगर बात करें तो इनर्शिया हो जाएगा भाई आई इज इक्वल टू यम L स्क्वायर बाई 12। क्लियर हो गई बात, यूनिफॉर्म थिन रॉड के लिए हो जाएगा I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, जहां पर M हो जाएगा मास और L हो जाएगा लेंथ, ठीक। पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म थिन रॉड। अगर रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करें, दूसरा आयताकार पटल के लिए, इनको तैयार कर लीजिएगा भाई, एक जरूर आने वाला आयताकार पटल के लिए। फॉर सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करें तो सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेन में दो चीजें होती हैं, एक होती है लंबाई और एक होती है भाई चौड़ाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई लंबाई और इधर होने वाला है आपका चौड़ाई, दैट इज कॉल बी। क्लियर हो गई बात। तो यहां से अगर देखा जाए तो आई बराबर हो जाएगा भाई एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये हो जाएगा बेटा एम बी स्क्वायर बाई 12। क्लियर हो गई बात। तो ये हो जाएगा हम लोगों, ठीक है। तो दिस इज फॉर सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेन की बात हम लोगों ने कर ली। अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं फॉर रिंग के लिए अगर बात की जाए, किसी वलय की अगर बात की जाए,
वलय के लिए देखा जाए तो फॉर रिंग के लिए अगर बात की जाए तो आई बराबर हो जाएगा बाई लोग एम आर स्क्वायर, जहां पर आर हो जाएगा क्या बेटा रेडियस हो जाएगा, ठीक है, जहां पर आर क्या हो जाएगा दैट इज कॉल्ड त्रिज्या, आर हो जाएगा त्रिज्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं फॉर सिलेंडर, चौथा जो हम लोगों का होगा वो सिलेंडर के लिए अगर देखा जाए, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन के लिए, अगर बेलन के लिए देखा जाए तो बेलन के लिए क्या हो जाएगा भाई आई बराबर हो जाएगा वन बाई टू एम आर स्क्वायर, और जब भी कभी बात करें किसके लिए ध्यान से देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेलन के बाद हम लोग बात करेंगे किसके लिए, वलय के लिए हो ही गया है हम लोगों के पर रह गया डिस्क, यानी चकती के लिए अगर बात की जाए तो चकती के लिए देख लेते हैं, चकती के लिए तो आई बराबर हो जाएगा भाई वन बाई टू दैट इज कॉल एम आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। और ऐसे हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, इन सभी चीजों को इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके, बेलन के लिए हो गया, चकती के लिए हो गया, अब हम लोग आते हैं ठोस गोले के लिए, ठोस गोले के लिए तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, आई बराबर हो जाएगा किसके टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, और खोखले गोले की अगर बात की जाए हाँ तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा भाई दो बटे तीन एम आर स्क्वायर, इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई बराबर हो जाएगा दो बटे तीन एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्सिया हैं आपको लिखवाए गए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के बिहाव पर कभी कभी आपसे एक वैल्यू पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गायरेशन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन एंड नॉर्मल रेडियस, माने घूर्णन त्रिज्या और सामान्य त्रिज्या के बीच एक अनुपात पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।